एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सब। आपकी बात हम अपने वादे के अनुसार आप सभी के लिए वो वीडियो जिसके लिए आप बहुत इंतजार कर रहे थे, जिसका मैंने वादा दिया था आपसे कि 20 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासेस वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लास 9th और 11th 12th दोनों, मतलब चारों क्लासेस की क्लासेस इस बार स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, और क्योंकि अभी आज के बाद से लगातार वीडियोस डालेंगी, तो आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अभी सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट करूंगी, और खास करके इस बार का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से। क्या हुआ है कि बहुत सारे सिलेबस जो है कट कर दिए गए हैं। तो किस तरीके से, कौन कौन से सिलेबस में से कटिंग की गई है, कौन कौन से पॉइंट्स कट किए गए हैं, आज उसके पूरे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप सभी के सामने आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं निधिरा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आज के क्लासेस में हम पूरे 10th के सिलेबस पढ़ने वाले हैं, और 10th के सिलेबस में खास करके कोविड की वजह से क्या क्या चीजें काटी गई हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, उन सभी चीजों को आज के क्लास में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि पूरे साइंस का सिलेबस मैं लेके आई हूँ, कि ऐसा तो मैं केवल अभी तक पढ़ा रही थी, केवल बायोलॉजी के सिलेबस पढ़ा रही थी आपको, लेकिन आज की जो वीडियो है ये क्लास 10th की साइंस की सारे टॉपिक्स इसमें मैंने कवर किए हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों को अलग अलग पॉइंट्स में डाल दिया है आपका, फिजिक्स एक जगह, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो फिजिक्स के अंदर देखें तो हमारा पहला चैप्टर जो है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर है आपको पढ़ने के लिए। दूसरा है आपका द ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, एंड चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इसमें से मैंने जैसा कि अभी बताया कि कोविड की वजह से कुछ इसमें से पॉइंट्स हटाए गए हैं पूरे चैप्टर्स में, कहीं कहीं पे पूरे चैप्टर्स भी हटाए गए हैं और कहीं कहीं पे कुछ पॉइंट्स भी हटाया गया है। तो आज मैं पूरी ब्रीफली आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से इसमें कटिंग की गई है। तो बात करें अगर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, तो ये पूरा चैप्टर आपको हूबहू पढ़ना है। इसमें से कोई भी चीजें काटी नहीं गई है, इनमें से कोई भी चीज अलग नहीं की गई है। द ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड की बात करें तो इसमें तीन पॉइंट्स जो है उनको कट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। कौन कौन से? फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आईज, यानी कि हमारे आंखों के अंदर लेंस का क्या वर्क है, फंक्शन क्या है, उसको यहाँ से हटा दिया गया आपके सिलेबस में, उसको नहीं पढ़ना है। तो आप उसको इग्नोर ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन अब बहुत करीब आ चुकी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, यानी कि हमारी आंखों में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स कैसे होती है, क्या कारण से, और उसको दूर कैसे किया जा सकता है। ये पॉइंट ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो, लेकिन इसको 2021 वाले सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, तो अभी इसको पढ़ना जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन बेस से। ऐसे आप जरूर पढ़िएगा इसको। हाँ, तीसरा पॉइंट जो कहता है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। स्फेरिकल मिरर और लेंस का जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है, इसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन बेस की बात करें तो यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पढ़ना जरूरी है। लेकिन अभी एग्जाम, अगर हम इस एग्जाम को देखें तो इसके एग्जामिनेशन के बेस से ये पढ़ना जरूरी नहीं है। यानी कि इन तीनों पॉइंट को जो चैप्टर 2 है द ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से इन तीनों पॉइंट्स को हटा दिया गया है। तीसरा जो आपका लेसन है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपको ज्यों का त्यों जो भी है वो सारी चीजें, जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर है वो सारी आपको पढ़नी है। फोर्थ आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से 4 पॉइंट्स को हटाया गया है। कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ये अलग अलग पॉइंट है दोनों, इन दोनों को हटा दिया गया है। अल्टरनेटिंग करंट में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ये हटा दिया गया है। एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, ये भी हटा दिया गया है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, ये 4 पॉइंट जो है, 5 पॉइंट, इनको भी आपके सिलेबस से इस बार के लेशन, मतलब सिलेबस में हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। बात करें अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की, ये तो पूरा का पूरा ये लेसन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हटा दिया गया आपके सिलेबस से, इसको पढ़ना
एग्जामिनेशन बेस से जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि एग्जामिनेशन बेस से जरूरी नहीं है, लेकिन लाइफ के लिए, आगे के लिए, नॉलेज के लिए सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या क्या कि यहाँ पे दो चैप्टर्स, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली इसको खत्म किया गया है, और यहाँ से 3 पॉइंट और यहाँ से 5 पॉइंट। तो आई थिंक आपको फिजिक्स के सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बस ध्यान दीजिएगा कि क्या नहीं पढ़ना है, तो बाकी चीजें जो बच गई उसको पढ़ना है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करें केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपके भी बिल्कुल 5-5 चैप्टर सारे आपके तीनों स्ट्रीम में दिया गया है। तो केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट जो है आपको कट नहीं किया गया है। सेकेंडली एसिड बेस एंड साल्ट, ये भी आपको टोटली पढ़ना है, इसमें भी कटिंग नहीं हुई है। तो सेकेंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट के बाद हम चलते हैं थर्ड चैप्टर में, और थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल में भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने इधर बताया, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें 2 पॉइंट्स आपके कट किए गए हैं। इन दोनों पॉइंट को कट किया गया आपके सिलेबस से, जिसमें पहला है बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेसेस और कोरोजन एंड प्रिवेंशन। ये 2 पॉइंट्स को हटाया गया है आपके सिलेबस से। अब बात करें कार्बन एंड, चौथा जो आपका लेसन है केमिस्ट्री के अंदर वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसके अंदर आपको यही 2 पॉइंट्स जो है वो पढ़ने हैं। बाकी जितने भी सिलेबस के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपको दिया गया है पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा हो रहा था, जो नहीं पढ़ना है वो ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे उन चीजों को लिखा है जो पढ़ना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इधर मैंने जितनी भी चीजें ब्लू लाइंस में लिखी हैं उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर जो मैंने लिखा है 2 पॉइंट्स, इन्हीं 3 पॉइंटों को पढ़ना है आपको, और उसके अलावा बाकी चीजें नहीं पढ़नी है। तो कौन कौन सी चीजें पढ़नी है उसको देख लीजिए। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कार्बन के अंदर जो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी पढ़ना पड़ेगा, और होमोलोगस सीरीज जो है इनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर पढ़ना है, बाकी चीजें छोड़ देनी है। चलिए, और 5वां जो पॉइंट है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको पूरा आपको हुबहू जैसे है वैसे पढ़ना है, ठीक है। अब बात करिए अगर बायोलॉजी के सेक्शन की, तो बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको बिल्कुल नहीं हटाया गया है, तो लाइफ प्रोसेसेस आपको बिल्कुल पढ़नी है। सेकेंडली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया आपके सिलेबस से। बेसिकली अगर बात करें तो ये नर्वस सिस्टम पूरी चीजें पढ़नी है इन्हीं के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन क्या सोच के हटाया है सिलेबस मतलब सीबीएसई ने, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है इसको आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसको पूरा आपको ज्यों का त्यों जैसा आपको दिया गया है बुक में उसको पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से 1 पॉइंट को हटाया गया है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो है इसको हटा दिया गया है। बाकी उसके अलावा आपकी हेरिडिटी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रेट जो मेंडल के द्वारा दिया गया है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है, लेकिन केवल 1 पॉइंट यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को हटा दिया गया है। बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है जो कि जो बुक में दी गई है। आवर एनवायरमेंट पूरा पढ़ना है, और बात रही अगर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स की, तो इसको पढ़ना है बट लेकिन केवल एक जो इंटरनल असेसमेंट होता है आपका, जो आपके स्कूल्स में जो एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे आपको ये पूछा जाएगा। आपके फाइनल एग्जामिनेशन में यानी कि जो बोर्ड के एग्जाम होंगे वहां पे ये पूछा नहीं जाएगा। यानी कि अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर हम इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट में इसको पूछा जाएगा। आपके इंटरनल असेसमेंट लाइक जो प्रैक्टिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करें, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो ओवरऑल हमने पूरी साइंस की बात कर ली है, पूरे सिलेबस की बातें कर ली है,
आपको आई थिंक बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेबस पता होगा, क्योंकि सिलेबस अगर पता है तो कितनी चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़ना है ये चीजें हमें अच्छे से पता हो जाएंगी, और फिर जो चीजें एग्जामिनेशन में आने वाली है तो हम उस पर फोकस कर पाएंगे अपना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के बेस से, तो वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।